वेलकम टू NBC हिंदी। मैं हूं शारदा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बर्थडे स्पेशल। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक और सबके दिलों पर राज करने वाली ड्रीम गर्ल आज 71 साल की हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से जीता लोगों का दिल। हेमा मालिनी का नाम बॉलीवुड की उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में भी शुमार है जिन्होंने सिर्फ 70 mm की स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि राजनीति में भी सफलता हासिल की है। और अब हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश के मथुरा से BJP की लोकसभा सांसद हैं। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में जन्मी हेमा मालिनी ने अपने बॉलीवुड करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया है जिनमें लोगों ने उनकी एक्टिंग बेहद पसंद की है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म सपनों की सौगात से की थी। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई थी, लेकिन हेमा को लोगों ने एक एक्ट्रेस के रूप में काफी पसंद किया था। इसके बाद हेमा साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म जॉनी मेरा नाम और तुम हसीन मैं जवान में नजर आई थी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और इन फिल्मों के जरिए ही हेमा मालिनी को बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिली। इसके बाद हेमा कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई जिनमें शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, दर्द, अली बाबा 40 चोर जैसी फिल्में शामिल थी। हेमा मालिनी को बेहतरीन एक्टिंग के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है जिसमें पद्मश्री और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे अवार्ड भी शामिल है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।